Welcome, my dear students. I am Barkat Ali Mahar, Assistant Professor of Physics at Government Degree College, Thul. आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की किताब में से जो शुरुआती टॉपिक्स हैं, उनमें से एक टॉपिक जिसका नाम है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, इसका मुतालिया करने जा रहे हैं. जी हाँ, इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे कि व्हिच आर द फेमस ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स एंड दे आर रिलेटेड टू व्हाट, यानी उन ब्रांचेस में किन चीजों के बारे में पढ़ा और समझा जाता है, इन चीजों के बारे में हम मुख्तसरन तारुफ हासिल करेंगे. तो आइए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी की. तो इन ब्रांचेस को समझने से पहले आपको ये याद होना चाहिए कि फिजिक्स असल में मादा और तवानाई दोनों के बाहमी इश्तराक के मुताले को कहा जाता है. जी हाँ, तो हम इस बुनियाद पर कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर को जिसका नाम है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. तो आप कह सकते हैं कि कंप्लीट फिजिक्स के मुताले को शुरुआती तौर पर हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है. कंप्लीट फिजिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स आर टू ग्रुप्स. फर्स्ट ग्रुप इज द क्लासिकल फिजिक्स एंड सेकंड ग्रुप इज द मॉडर्न फिजिक्स. क्लासिकल फिजिक्स हम किस ग्रुप वाली फिजिक्स को कहते हैं, उसके लिए आपको एक सन याद रखना लाजमन जरूरी है, दैट इज 1900 AD. कुछ किताबों में 1890 AD लिखा होता है, इसमें थोड़ा फर्क होता है, इट्स ओके. तो क्लासिकल फिजिक्स हम किसको कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स हम उस फिजिक्स के मुताले को कहते हैं जो कि 1900 AD से पहले एग्जिस्ट करता था. तो क्लासिकल फिजिक्स हम कहते हैं कि बिफोर 1900 AD फिजिक्स वाज कंप्राइज्ड ऑफ सम ब्रांचेस एंड दीज ब्रांचेस वर कलेक्टिवली नोन एज द क्लासिकल फिजिक्स. जी हाँ, फिर क्लासिकल फिजिक्स 1900 AD से पहले कुछ ब्रांचेस पर मुश्तमिल थी. इन ब्रांचेस को कलेक्टिवली मजमुअन हम नाम देते हैं क्लासिकल फिजिक्स, यानी ओल्डर वन फिजिक्स. 1900 AD में ऐसा क्या हुआ था कि जिस की वजह से बिल्कुल एक नई फिजिक्स वजह हो गई जो कि हमारी आम लाइफ में बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीलियां ला चुकी है, तभी हमने उसको नाम दिया था मॉडर्न फिजिक्स. जी हाँ, इन 1900 AD में मैक्स प्लांक एक जर्मन फिजिस्ट था, उन्होंने एक बड़ी रिवोल्यूशनरी थ्योरी दी थी जिसका नाम था क्वांटम थ्योरी, जिसकी वजह से हम एक लॉ डेवलप हुआ जिसको हम कहते हैं मैक्स प्लांक्स लॉ. तो वो थ्योरी जो थी वो मॉडर्न फिजिक्स के जो भी नए मसाइल थे उनको हल करने में वो कामयाब हो गई. तो इस वजह से वहां से लेकर जो अब तक दूसरे नई चीजें दरियाफ्त हुई हैं उनको समझने के लिए हमें मॉडर्न फिजिक्स बहुत बड़ी हेल्प करती है. तो हम कह सकते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स का आगाज 1900 AD से हुआ और क्वांटम थ्योरी की वजह से हुआ. उस क्वांटम थ्योरी की वजह से हमने मॉडर्न फिजिक्स को दूसरा नाम दिया है क्वांटम फिजिक्स. जी हाँ, मॉडर्न फिजिक्स इज आल्सो नेम्ड एज क्वांटम फिजिक्स. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस चीज से कि व्हिच आर द फेमस ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स. बाद में हम पढ़ेंगे फेमस ब्रांचेस ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स. तो ये है हमारे आज के टॉपिक का मकसद. सो कम टू द पॉइंट, फेमस ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स में जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हिच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक ब्रांच ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स, then you have to select this. Yes, mechanics. Mechanics का नाम आते ही आपके जहन में bodies घूमना शुरू हो जाती हैं, यानी आप समझ जाते हैं कि mechanics में हम bodies की हरकत का मुताला करते हैं. तो हरकत का मुताले करने में दो चीजें शामिल हैं.
आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज अगर रेस्ट में है, सुकून में है, तो इस वजह से सुकून में है कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो कि उसकी जगह चेंज करने में उसकी हेल्प करे वो एक्ट नहीं हो रही। लेकिन जब उस पर कोई भी नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करती है तो वो उसकी जगह में चेंज आ जाती है। तो हम कहते हैं कि व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। जी हाँ, इसको आप कहते हैं कि हरकत किसको कहते हैं, तो ये उसकी डेफिनेशन है। तो ये सिंपल बात है। तो हमें पता चल गया कि हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, आर वी कैन से मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, बट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। तो इस चीज के मुताले को हम कहते हैं मैकेनिक्स। या इसमें एक इजाफा और भी कर लें तो बेहतर है कि मैकेनिक्स में हम कॉज यानी फोर्स और उसके इफेक्ट यानी मोशन के बारे में पढ़ते हैं, तब भी आप इसको कह सकते हैं कि दैट इज मैकेनिक्स। जी हाँ, मैकेनिक्स आप कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ द फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, आर यू कैन से सिंपली स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल्स अंडर द कंसिडरेशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। जी हाँ, लेकिन मैकेनिक्स की जब ब्रांच बहुत डेवलप हो चुकी तो इसको समझने के लिए मजीद सब ब्रांचेस में तकसीम किया गया है। यस, तो आपसे अगर पूछा जाए कि मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, तो हम कहते हैं मैकेनिक्स को तीन पार्ट्स में तकसीम किया गया है। वन इज द स्टैटिक्स एंड अदर इज द काइनेमैटिक्स एंड थर्ड वन इज द डायनामिक्स। इन तीन हिस्सों में हमने मैकेनिक्स को तकसीम किया हुआ है। तो अब मुख्तसरन समझते हैं कि स्टैटिक्स नाम से जाहिर है कि स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ बॉडीज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि उन चीजों का मुताला करें जिन पर बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, बैलेंस फोर्सेस की वजह से वो बॉडी सुकून में हमें नजर आ रही हैं रिलेटिवली रिलेटिव टू सराउंडिंग्स। सो इस मुताले को हम स्टैटिक्स में शामिल करते हैं, तो ये भी मैकेनिक्स का हिस्सा है। काइनेमैटिक्स में हम पढ़ते हैं उन चीजों के मोशन के बारे में, लेकिन उन चीजों के मोशन के पैदा होने की फोर्स का जिक्र ना करें, तो इसको हमने अलग रखा हुआ है, इसको कहते हैं काइनेमैटिक्स। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि व्हिच वन इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सारे बच्चे इससे वेल अवेयर होते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज दिस सर, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस एक्सेलरेशन एंड इनटू टाइम। सो कैन वी से देयर इज कंसीडरेशन ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन, यानी कि यहां पर किसी हरकत की बात हो रही है, मोशन की बात हो रही है, लेकिन उसके काज की बात नहीं हो रही। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आप कह सकते हैं, या सारी इक्वेशन ऑफ मोशंस को आप इंक्लूड कर सकते हैं, कौन सी स्टडी में? जी हाँ, काइनेमैटिक्स में। सो वी कैन से स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल्स बट विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फोर्स इज नोन एज द काइनेमैटिक्स। अगर आप आगे चलें तो डायनामिक्स आपको नजर आ रही है, तो डायनामिक्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। इन डायनामिक्स वी आल्सो स्टडी अबाउट द मोशन बट अंडर द कंसीडरेशन ऑफ फोर्स। जी हाँ, यहां पे हमने फोर्स को कंसीडर नहीं किया था, लेकिन यहां पर फोर्स को कंसीडर किया जाता है। जैसा कि मैं आपको ये इक्वेशन बताऊं कि एक्सेलरेशन को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं, किस तरह डिफाइन करते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल। सो कैन वी से एक्सेलरेशन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फोर्स, यानी कि यहां मोशन का भी जिक्र हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसके काज यानी फोर्स का जिक्र भी शामिल है। तो इस टॉपिक को, इस इक्वेशन को आप डायनामिक्स से रिलेटेड कह सकते हैं। तो इस तरह मैं मुख्तसरन बात करूं तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन
जो भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो डायनामिक्स से रिलेटेड है, जो भी इक्वेशंस ऑफ मोशन आप फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ते हैं इनका वास्ता है, रिलेशन है काइनेटिक्स के साथ. आई होप mechanics now becomes simple one because it is divided into three parts. One was the statics, means study of the bodies at rest, and second one proceed towards the electricity. Electricity ko hum kehte hain study of charges. Jaisa ki aap jante hain ki elementary particles mein kuch properties hoti hain, jaisa ki aap electron protons wagera ko jante hain कि वो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं. तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ें तो दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिसिटी. सो इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्जेस. लेकिन इस स्टडी ऑफ चार्जेस को अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. जी हाँ, इन चार्जेस की स्टडी एट रेस्ट भी की जाती है और इन चार्जेस की स्टडी इन मोशन भी की जाती है. तो इन चार्जेस के मुताले का के दो तरीके हैं, तभी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. तो जब हम स्टडी ऑफ चार्जेस करते हैं एट रेस्ट तो इस इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. जब हम उन चार्जेस का मुतालिया करें जो मोशन में होते हैं, जो करंट कॉज करती हैं, जो इन वायर्स में बिजली की वजह बनती हैं, तो वो चार्जेस एट रेस्ट नहीं होती, वो होती हैं चार्जेस इन मोशन. और उनकी स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रो डायनामिक्स या हम कहते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी. तो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी मींस स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन होता है, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मींस स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट होता है. तो ये हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं. इसके बाद अगर हम आए तो ऑप्टिक्स लिखा हुआ है. तो ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स को आप जानिए कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइट होती है. जब हम साइंटिफिकली लाइट का मुताला करते हैं कि रोशनी की नेचर क्या है, रोशनी कैसे फैलती है, रोशनी किन अवामिल कौन सी प्रॉपर्टीज रखती है, तो उस रोशनी के बारे में जो भी मुताला किया जाए तो उसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं. फिर ऑप्टिक्स को अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. आप 9th चैप्टर और 10th चैप्टर में जो भी पढ़ते हैं दैट इज ऑप्टिक्स है. लेकिन जो 9th चैप्टर में आप लाइट या रोशनी का मुताला करते हैं वो इस बुनियाद पर करते हैं कि लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स. यानी कि आप ऐसा समझिए कि लाइट के मुताले के लिए हमने दो किस्म के मॉडल्स वजह किए हैं, उन मॉडल्स की मदद से हम लाइट को समझते हैं. तो जो 9th चैप्टर में हम लाइट का मुताला करते हैं तो उसमें हम वेव मॉडल का यूज करते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि ऑप्टिक्स के अगेन टू पार्ट्स हैं. फर्स्ट वन इज द वेव ऑप्टिक्स, उसको कहते हैं. वेव ऑप्टिक्स में दोज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट आर स्टडीड व्हिच कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव्स. यस, एक तरीका होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ the propagation of waves we can understand the interference of light, diffraction of light and polarization of light. तो इन properties of light को आगे चलकर आप समझते हैं, लेकिन उनको explain करने के लिए जो भी हम model use करते हैं वो wave model होता है. तो इस किस्म की light की study को हम कहते हैं wave optics. And this type of model was given by Christian Huygens. लेकिन एक light को पढ़ने का दूसरा मॉडल भी है जिसको हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं, जिसमें हम ये रेज शो नहीं करते लेकिन फकत लाइट की डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं. तो इन लाइंस को हम रेज कहते हैं, और इन रेज की बुनियाद पर हम लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वगैरह को पढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स. जी हाँ, तो लाइट का मुताला करने के दो तरीके हो गए. एक हो गया वेव ऑप्टिक्स और दूसरा तरीका है रे ऑप्टिक्स. और रे ऑप्टिक्स जो डेवलप किया था दैट वाज डेवलप्ड बाय सर आइजक न्यूटन, एंड वेव ऑप्टिक्स वाज डेवलप्ड बाय क्रिश्चियन हाइजन. सो हम कह सकते हैं कि लाइट के पढ़ने के ये दो तरीके हैं. आफ्टर ऑप्टिक्स
नाउ कम टू हीट एंड थर्मोडायनामिक्स. जी हाँ, हीट मींस नेचर ऑफ हीट का मुतालिया करना कि गर्मी असल में है क्या चीज. और इसके साथ ही साथ हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स. अगर हम थर्मोडायनामिक्स के वर्ड को ब्रेकअप करें तो इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स. वन इज द थर्मोस, अदर वन इज द डायनामिक्स. जी हाँ, थर्मोस मीन्स हीट, डायनामिक मीन्स मोशन. सो हम कह सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स में हम मुतालिया करते हैं कि हाउ कैन वी कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी. और ये कौन सी डिवाइस हुई ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक्स. देन वेरी इंपॉर्टेंट मशीन वॉज इन्वेंटेड, दैट इज द हीट इंजन. जी हाँ, हीट इंजन थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड चीज बनी. रेफ्रिजरेटर भी बाद में बना. तो हम इनको कह सकते हैं कि हीट इंजन इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. तो आप समझ गए होंगे तो के थर्मोडायनामिक्स का वास्ता है हीट के कन्वर्ट होने का इनटू मैकेनिकल एनर्जी. और ये प्रोसेस किस तरह सरंजाम होता है तो इसको हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं. तो उसके बाद है मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म नाम से ही क्लियर है कि स्टडी ऑफ द ओरिजिन, प्रॉपर्टीज एंड द यूजेस ऑफ द मैग्नेट्स. यानी मैग्नेट्स किस तरह बनते हैं, मैग्नेट्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है और उनकी कौन कौन सी एप्लीकेशन है. तो जैसा कि आगे हम चलकर पढ़ते हैं कि ये जो जनरेटर बनता है जिससे बिजली पैदा होती है, या ये जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो बिजली को कन्वर्ट करता है मोशन में, मैकेनिकल एनर्जी में, तो इन सब के पीछे मैग्नेटिज्म का हाथ होता है. मैग्नेटिज्म के इल्म या उसके मुताले के बिना हम ऐसा नहीं कर सकते. सो इसको इट मीन्स इसको आगे चलकर पढ़ते हैं. सिंपली यहाँ पे याद रखें कि स्टडी ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट्स इज नोन एज द मैग्नेटिज्म. अब कॉस्टिक हम कह सकते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स की का पार्ट है. अब कॉस्टिक साउंड से रिलेटेड होता है. जैसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं लाइट की मुताले को कहते हैं, अकाउस्टिक हम आवाज के मुताले को कहते हैं, खासतौर पे प्रोडक्शन ऑफ साउंड एज वेल एज रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड. आवाज जाकर किसी भी सख्त सरफेस से टकरा कर वापस कैसे आती है और कौन सी अवामिल इसमें पेश आते हैं, इन सब चीजों का मुतालिया हम करते हैं अकाउस्टिक्स में. आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्लासिकल फिजिक्स में ये ब्रांचेस थी. अब हम आगे चलते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स में कौन सी चीजें शामिल हुई, किन चीजों के बारे में मुतालिया करना इंसान ने शुरू किया, कौन सी नई चीजें डिस्कवर हुई उनके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया, तो उसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं. क्लासिकल फिजिक्स के मुताले के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे ग्रुप को डिस्कस करते हैं. जी हाँ, मॉडर्न फिजिक्स. मॉडर्न फिजिक्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1900 AD के बाद से लेकर आनवर्ड तक जो भी नॉलेज फिजिक्स में शामिल है उसको हम कलेक्टिवली मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं. मॉडर्न फिजिक्स में किन चीजों के बारे में मुताला किया जाता है और ये उसकी है सम फेमस ब्रांचेस. तो मॉडर्न फिजिक्स की सम फेमस ब्रांचेस का मुतालिया यहाँ थोड़ा करते हैं. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स इज द एटॉमिक फिजिक्स. एटॉमिक फिजिक्स, तो आप एटम का नाम आते ही एक खाका आपके माइंड में बन जाता है कि एटम उसको कहते हैं जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, एक मरकज होता है, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इस चीज को आप एक एटम जानते हैं. जी हाँ, तो इस एटम में एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं. उन इलेक्ट्रॉन्स वाले इलाके के बारे में अगर हम जाने जो कि एटम के साथ रिलेटेड है, इस मुताले को हम कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स. जी हाँ, और बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, जब वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करते हैं तो एनर्जी गेन करते हैं, जब वो हायर से लोअर में जंप करते हैं तो एनर्जी को रिलीज करते हैं, समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट करते हैं, वो इन फोटॉन्स के लाइट के मेनी फोटॉन्स को कलेक्टिवली अगर हम देखें तो इसको एक नई किस्म की लाइट कहते हैं, दैट इज नोन एज द लेजर.
वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मेडिकल फिजिक्स और आम लाइफ में अब इसका इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। ये 3D होलोग्राफी होती है, लेजर नाइव्स आ गए हैं, लेजर गन्स आ गई हैं, लेजर मिसाइल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें लेजर की उसूल पर काम करती हैं। तो आप कह सकते हैं कि लेजर इज द गिफ्ट ऑफ एटॉमिक फिजिक्स। तो आप इतना जान चुके होंगे कि एटॉमिक फिजिक्स में एक्चुअली वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इसके बारे में हम पढ़ें तो इसको एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। तो फिर अगर हम आगे बढ़े कि मॉलिक्यूलर फिजिक्स क्या होती है, ये तो एक एटम था, अगर एक से ज्यादा यानी दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में मिलकर जो भी पार्टिकल नई चीज बनाते हैं उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जी हाँ, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि दो हाइड्रोजन के एटम आपस में कंबाइन होकर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस हाइड्रोजन के, तो हम किसी भी ऐसे मैटर के बारे में पढ़ें जो कि मॉलिक्यूल्स पर कंसिस्ट हो, यानी कि मॉलिक्यूल्स पर उसका दारोमदार हो। तो इस स्टडी को आप क्या कहना पसंद करेंगे? जाहिरन मॉलिक्यूलर फिजिक्स कहेंगे। So can we say study of the matter on the basis of molecules is known as the molecular physics? Very simple. Let's say nuclear physics. Naam hi se aaya hai ki nuclear physics deals with the nuclei. Study of nuclei. Nuclei of what? Nuclei of cells nahi, wo living basic cells wale. Ye related hai nuclei of the atoms. Ji haan, atom ke fakat is central core पार्ट के बारे में पढ़ें जिसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियंस कहते हैं। तो इस इन न्यूक्लियंस के बारे में पढ़ें तो इन इसको आप कहेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं कि न्यूक्लियर फिजिक्स डील्स विद ओनली द सेंट्रल कोर ऑफ एटम। यू कैन से इट इज द स्टडी ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। You also can say that nuclear physics deals with the study of nucleons. Nucleons आप कौन से ज़रात को कहेंगे जो के एटम के न्यूक्लियस के बीच में होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, रिजाइड करते हैं, तो उनके मुताले को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के बेस पर आप फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शंस पढ़ते हैं जिसमें आप देखते हैं कि न्यूक्लियस में से तमाम बड़ी एनर्जी हम रिलीज करवा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन दिस वन। तो वो एनर्जी बहुत बड़ी होती है। अगर थोड़ा सा भी मास आप एनर्जी में कन्वर्ट करें तो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज दैट इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन न्यूक्लियर वर्ल्ड। इसमें से हम बिजली बना सकते हैं और जहाजों को चला सकते हैं, इनके बेस पे एटॉमिक बम भी बनते हैं। तो ये सारा मुताला न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक होती है प्लाज्मा फिजिक्स। तो पहले समझे प्लाज्मा किसको कहते हैं। अभी आपने देखा कोई चीज एटम्स की बनी हुई है, कोई चीज मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, तो कुछ ऐसी भी गैसेस हैं जो कि आयंस की बनी हुई। आयंस किसको कहते हैं? आपने सुना होगा केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा पढ़ा होगा कि हाई टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं और ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियाई अलग हो जाते हैं। तो न्यूक्लियस अलग और इलेक्ट्रॉन्स अलग रहें तो इनको आप एटम्स नहीं कहते, इन चार पार्टिकल्स को आप आयंस कहते हैं। तो ऐसी गैस, ऐसा कोई मिक्सचर जो कि फकत आयंस पर मुश्तमिल हो तो इसको हाईली आयनाइज्ड गैस कहते हैं। हाईली आयनाइज्ड गैस को हम फिजिक्स में प्लाज्मा कहते हैं और प्लाज्मा के मुताले को आप प्लाज्मा फिजिक्स कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा फिजिक्स इस चीज का नाम है कि इट इज द स्टडी ऑफ हाईली आयनाइज्ड गैस। ये हाईली आयनाइज्ड गैस किस कहां पर हमें मिलती है? जहां पे काफी टेम्परेचर हो, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सारे सितारों पर यूनिवर्स में हाई टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड एग्जिस्ट करता है, तो वहां पर कोई गैस एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं मिलती। वहां पर जो भी हमें मटेरियल मैटर नजर आता है वो इन द फॉर्म ऑफ आयंस होता है। तो इस हाईली आयनाइज्ड गैस के बारे में अगर हम मुताला करें तो इसको आप कहेंगे प्लाज्मा फिजिक्स। जी हाँ। फिर उसके बाद चंद है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का,
जी हाँ, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आप कौन से सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं? तो आपको पता होगा कि सॉलिड्स के दो एग्जाम हैं, एक होते हैं अमॉर्फस, एक होती है क्रिस्टलाइन। अमॉर्फस विदाउट फॉर्म वाले सॉलिड्स को कहते हैं, क्रिस्टलाइन विद फॉर्म वाले सॉलिड्स को कहते हैं, जिनकी कोई पर्टिकुलर शेप वगैरह हो उसको आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। जैसे कि ये क्यूबिकल क्रिस्टल आप कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को कहते हैं, डायमंड को कहते हैं। तो अच्छा, लेकिन इन चीजों के बारे में नहीं, कौन से क्रिस्टल्स की स्टडी करते हैं हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, जिनको हमने नाम दिया है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स उन मटेरियल्स को कहा जाता है जिनमें इंसुलेटर वाली प्रॉपर्टी भी हो और कंडक्टर वाली प्रॉपर्टी भी हो। इंसुलेटर और कंडक्टर वाली प्रॉपर्टीज रखने वाली मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो आप पूछेंगे कि सर कौन से एलिमेंट्स हैं जो बेटर सेमीकंडक्टर्स हैं, जिनको हम यूज करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के मुताले में? तो मैं नाम लूंगा सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, सेलेनियम का। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनमें सेमीकंडक्टर वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, और इसके मुताले के बेस पर हमने डायोड्स बनाए, ये एलईडीज बनाई हैं, प्रोसेसर मींस ये एम्पलीफायर वगैरह बनाया है, और दूसरी चीजें डिवाइस हुई हैं। ये पूरा कंप्यूटर सॉलिड स्टेट फिजिक्स से रिलेटेड है। मैं इस तरह सिंपली कह सकता हूं कि कंप्लीट जो भी इलेक्ट्रॉनिक आप अप्लायंसेस घरों में यूज करते हैं, दिस कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स इज ओनली द एप्लीकेशन ऑफ द सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सो सॉलिड स्टेट फिजिक्स को आपने डिफाइन करना अब सीख लिया होगा कि इट इज द स्टडी ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, स्पेशली अबाउट द सेमीकंडक्टर्स सच एज सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड सेलेनियम एटसेट्रा। नाउ कम टू द लास्ट ब्रांच। देयर आर डिफरेंट अदर ब्रांचेस टू, बट वी आर डिस्कसिंग ओनली दोस ब्रांचेस व्हिच आर इंक्लूडेड इन योर टेक्स्ट बुक। बी क्लियर। So, elementary physics means study of elementary particles. Elementary particles उन particles को कहा जाता है जिनको हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन को आप मजीद तकसीम नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो elementary particle है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखा गया है कि वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं रहे, लेकिन आपका मुतालिया इस हद तक होता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का जिक्र करते हैं, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को मजीद तकसीम किया गया है, उन पार्टिकल्स को हम क्वार्क्स कहते हैं। तो क्वार्क्स भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिनको आप मजीद और पार्टिकल्स में तकसीम नहीं कर सकते। तो मेरा मतलब समझ गए होंगे कि नाम से ही जाहिर है कि एलिमेंट्री फिजिक्स मींस स्टडी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इसको हम पार्टिकल फिजिक्स भी कहते हैं, इसको हम हाई एनर्जी फिजिक्स भी कहते हैं, क्योंकि हाई एनर्जी के बेस पर हम ये डिस्कवर करते हैं कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स में कैसे तोड़े जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी। वो होता है साइक्लोट्रॉन बेटाट्रॉन लेबोरेटरीज में ऐसे रिसर्च होती है। तो इस बिना पर हम एलिमेंट्री फिजिक्स को हाई एनर्जी फिजिक्स भी कहते हैं। तो आप मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि पूरी फिजिक्स को हमने दो ग्रुप्स में तकसीम किया था। एक क्लासिकल फिजिक्स था, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स की फेमस ब्रांचेस में से हमने मैकेनिक्स को समझा, और फिर हमने आखिर में मॉडर्न फिजिक्स के बारे में समझा। मॉडर्न फिजिक्स में आपने इंटरेस्टिंगली देखा कि किन चीजों का मुतालिया किया जाता है और उनकी बिना पर हमने कौन सी इम्पोर्टेंस कंप्यूटर वगैरह ये टेली कम्युनिकेशन हमने मवासलात के जराए बनाए हैं जिनकी वजह से आप हमारे लेक्चर्स सुन रहे हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और हम आगे फिर पढ़ेंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।